Hello boys and girls, today we will study about chapter activity. सभी अभिभावक गुड मॉर्निंग. आज हम लेके आए हैं नर्सरी और एलकेजी क्लास के लिए कुछ एक्टिविटीज जिनको आप घर पर भी आसानी से अपने बच्चों को करवा सकते हो. चलिए फर्स्ट एक्टिविटी है काउंट शेप. आप अपने हिसाब से कैसी भी शेप बना सकते हैं और फिर बच्चे से काउंट करवा के नीचे जो फिगर लिखे हुए हैं उनके सामने लिखवा सकते हैं. आप ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, जिसको हिंदी में आयत, चक्कर, सब कुछ बना सकते हैं. और अब जैसे आपको यहाँ काउंट करना है कि कौन सा कितना है, तो काउंट करके इसको इसके आगे लिख देना है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल है, तो आपको यहाँ लिख देना है 4. नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट द इमेज. बच्चों से इमेज कंप्लीट करवानी है. हाफ इमेज आप बना देंगे, उसके बाद हाफ इमेज बच्चे से बनवाएं. बच्चे का इससे कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा, उसके माइंड डेवलपमेंट होगा. कोई भी पिक्चर आप बना सकते हो, कोई भी इमेज आप क्रिएट कर सकते हो. आप बना के दो और बच्चे से पूरी बनवा लो. एक बार बच्चे से बना के दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टार बनाया है. नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ एंड कलर. बच्चे को आप कोई भी एक पिक्चर बना के दे दीजिए, फिर उसमें कलर करवाइए. जैसे इस प्रकार एक कलर पिक्चर अपन बनवा देंगे, उसमें सीरियल नंबर डाल देंगे, इस साइड में कलर सीरियल नंबर डाल देंगे, फिर इधर कलर मार्क कर देंगे. इस साइड में कलर मार्क करने के बाद में जो 2 नंबर के सामने है उस पिक्चर में 2 नंबर में कलर फिल करना है, और 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, ऐसे बच्चे से कलर करवाना है. नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट द पैटर्न. अपने को अलग अलग पैटर्न बना देने हैं बच्चे को. बच्चा उन पैटर्न को उसी पैटर्न में उसी टाइप से कंप्लीट कर देगा. आप कोई भी अपने तरीके से भी पैटर्न बना सकते हो. जैसे यहाँ पे बनाया है कर्व है, अप एंड डाउन और जिगजैग कंडीशन की लाइन है. बच्चा इनको क्या है आराम से इजी वे में कर देगा. आप अपने तरीके से भी कोई लाइन बना सकते हो. आर नेक्स्ट स्टेप काउंट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द शेप्स. शेप की साइडें काउंट करनी है और उसके आगे लिख देनी है. जैसे अभी यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल की साइड होगी 1, 2, 3, 3 साइड काउंट करके उसके आगे लिख देना. मेज के अंदर ऊपर अपन 3 बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे. 3 बटरफ्लाई ड्रॉ करने की आप बटरफ्लाई कुछ भी कर सकते हो. रेड को बिल में पहुंचा सकते हो, खरगोश को बिल में पहुंचा सकते हो, खरगोश को गाजर के पास पहुंचा सकते हो. तो ऐसे बटरफ्लाई ड्रॉ कर देनी है, उनको सीरियल दे देना 1, 2, 3 और 3 डॉट लगा देने नीचे. लेकिन ये बीच वाला स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखना. फ्लावर, ये 3 फ्लावर नीचे ड्रॉ किए हैं, इन फ्लावर के नीचे थोड़ा स्पेस रखना, ये मैंने यहाँ कम कर दिया. और इनको एक रस्सी से बना देना इस तरीके से. 1 नंबर की कौन से पे जाएगी, 2 नंबर की कौन से पे जाएगी, 3 नंबर की कौन से पे जाएगी. और नीचे वाले फ्लावर पे आपको उनके नंबर डाल देने कि कौन सी बटरफ्लाई वहाँ पे पहुँची है. तो ये होगी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, शेयर इट. If you love it, subscribe it. Thank you.